अब गाइस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी, जिन बच्चों के अभी के एग्जाम है, स्पेशली सेंटर पॉइंट के पेपर में आ रहा है, यू गाइस कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन कमिंग इन योर एग्जाम, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन मेरे साथ आप लिख सकते हैं, हाँ बोल बेटा। अब गाइस ये करने के ना वैसे दो तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, आपके ऊपर है आपको कौन सा बेटर लगता है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को जो स्कूल तरीका बताती है वो बता देता हूँ, जो यस सिंपल है। फिर मैं आपको मेरा तरीका बता दूंगा जो मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर वाई बट मुझे और सिंपलर लगता है, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन तो सिंपल थी, अपने को क्या दिया गया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -80, ठीक है। देखो मेरा ये S10 इज इक्वल टू -80 अगर हो रहा है, इक्वेशन बना रहा हूँ मैं n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू -80 था, 1 5 था, ये काट लोगे अगर तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, -16 था, ठीक है। 2a प्लस 9d इक्वल टू -16, याद है क्या, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू। अब बच्चा लोग ये इक्वेशन तो चलो ठीक है, अब मैं आपको दूसरी इक्वेशन बता रहा हूँ, प्लीज़ 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 ध्यान दीजिएगा। देखो एक बार यहाँ को इस चीज़ को भूल जाओ, अगर मेरा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 है, मैं आपको बोल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब क्या हो रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, मतलब S4 हो जाएगा, करेक्ट। बट अगर मैं सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स बोल रहा हूँ, मतलब A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8, ये S8 नहीं हुआ है, S8 का मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। तो देखो अगर तुमको सिर्फ इतने का सम चाहिए है तो आप ये कर सकते हो, पूरे के सम में से ये सम हटा दो, तो आप लोग एस ये नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम को S8 - S4 बोल सकते हो। तो वैसे ही बच्चा लोग ये यहाँ पे देखो दूसरी इक्वेशन बनाने का एक तरीका देख लो, प्लीज़ देख लो, प्लीज़ देख लो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, मतलब 11वें से लेकर 20वें टर्म तक का सम की बात हो रही थी, मतलब क्या हो जाएगा, S20 - S10 इज इक्वल टू -280 दिया गया है। अब S20 कितना हो जाएगा मेरा, n/2 2a प्लस n-1d, S10 हो जाएगा, अच्छा S10 की वैल्यू पैसे बता दी उनको, ये S10 की वैल्यू पैसे बता दी मुझे, तो ये -280 हो गई है, 1 10 सा, तो 10 × 2a प्लस 19d प्लस 80 इज इक्वल टू -280 है वो, 10 × 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -360, कटा कटा, तो वो 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -36। ये दो इक्वेशन एलिमिनेशन से बहुत इजीली हो जा रहा है, आई थिंक डी की वैल्यू कुछ तो भी -10 वगैरह कुछ आ रही है, आई सपोज, नॉट रियली श्योर, फुद्दू है, ठीक है यहाँ तक के। अब देखो देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, तुम लोगों को अगर मान लो मैंने वो A1, A2, A3, A4, A10, A11, A12, ठीक है, तुमको अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स हो रहा था, तुम S6 निकाल रहे थे, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स हो रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे वैसे, S12 - S6, तुमको एक और बताता हूँ मैं, तुम देखो तुम्हारे नेक्स्ट 6 टर्म्स यानी क्या हो रहा है तुम्हारा, A7, A8, A9, A10, A11, A12, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग n/2 a+l भी तो कर सकते थे, देखो ये भी एक एपी बन रही है, हाँ एपी के बीच में कुछ सीक्वेंस को उठा दिया मैंने, ठीक है, तो वो भी मेरा एपी बनने वाला है, तो ये वाला जो पार्ट ऑफ एपी जो बन रहा है इसका मेरे को सम निकालना था, तो
तो एन बाई टू फर्स्ट टर्म माइनस, अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए सेवन हो रहा है, लास्ट टर्म तुम्हारा ए ट्वेल्व हो रहा है, तुमको उसे क्लियरली नेक्स्ट सिक्स टर्म्स हो रहा था, मतलब तुम्हारे क्या जाएगा एन सिक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन जाएगा, सिक्स बाई टू, अब ये ए सेवन की जगह ए प्लस सिक्स डी लिख दो, ए ट्वेल्व की जगह पे ए प्लस इलेवन डी लिख दो, अगर वैल्यूज नहीं पता तो। अब अगर ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखूंगा बच्चा लोग मैं, तो ये देखिए प्लीज क्या हो रहा है मेरा, सम ऑफ नेक्स्ट टेन टर्म्स, मतलब मेरा ए इलेवन ए ट्वेल्व करते 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 ए ट्वेंटी बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एन बाय टू ए प्लस एल, मतलब एन बाय टू ए प्लस टेन डी प्लस ए प्लस नाइनटीन डी, वही क्वेश्चन कितना माइनस टू एट्टी दिया गया है, तो फाइव टाइम्स टू ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी माइनस टू एट्टी है, वन ज़ा माइनस थर्टी सिक्स हो रहा है, ठीक है ना, गलत है कुछ, हाँ ठीक है, टू ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी इक्वल्स टू माइनस थर्टी सिक्स नहीं, वो कितना होगा माइनस फिफ्टी सिक्स हो रहा है शायद, ठीक है ना, समझे जी क्या हुई है गाइस। तो तुम लोग ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन चाहो तो भी सॉल्व कर सकते हो, समझाई जी क्या हुई है, तुम्हारे ऊपर है। देखो मैं एक बार समझा दूँ हुआ क्या सिचुएशन, तुम्हारी पहली इक्वेशन तुमने बहुत सिंपली बना लिए थे एस टेन वाली, एस टेन वाली में तुमने क्या किया, एस टेन इज इक्वल्स टू माइनस एट्टी, तुमने किया एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू माइनस एट्टी, ठीक है, तो उसे टू ए प्लस नाइन डी की वैल्यू तुम्हारी माइनस सिक्सटीन कुछ आ गई थी, ठीक है। अब तुम्हारी दूसरी इक्वेशन तुमको जैसे करने तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, अगर एस ट्वेंटी माइनस एस टेन लेना है इक्वल टू माइनस टू एट्टी, तो तुम ऐसे कर सकते हो, यानी एस ट्वेंटी माइनस ऑफ माइनस एट्टी इज माइनस टू एट्टी, मतलब एस ट्वेंटी प्लस एट्टी इक्वल टू माइनस टू एट्टी, मतलब एस ट्वेंटी की वैल्यू माइनस थ्री सिक्सटी, अब तुम लोग डाल दो, या फिर तुम चाहते तो तुम्हारा नेक्स्ट टेन टर्म्स का सम इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल कर दिया, मतलब माइनस टू एट्टी माइनस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस टेन डी प्लस ए प्लस नाइनटीन डी, तो माइनस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू टू ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी, समझा। देखो ये तो बननी चाहिए, इसके साथ या तो ये यूज़ कर लो या तो ये यूज़ कर लो, तुम्हारे ऊपर है, समझा बेटा। ये डिफर बाय वाला केस जैसा नहीं है कि तुमको दोनों सॉल्व करना ही पड़ेगा, डिजिट्स डिफर बाय वगैरह जो अपने किया था वो नहीं है, तुमको जो बेटर लग रहा है तुम करो, मुझसे पूछोगे मेरे को समाओ ये ज़्यादा अच्छा लगता था, ठीक है, ये बहुत प्यारा है नो डाउट, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा भाग गया था जब मैंने पहली बार किया था इससे, ठीक है, फट से करो बेटा इसको सॉल्व। मेरे 10 टर्म्स थे ना बेटा, पर 11 से लेके 20 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए मेरे, 10 टर्म्स हुए, तो n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म जो भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू रहेगी प्लस लास्ट टर्म जो भी लास्ट टर्म की वैल्यू रहेगी, मेरा वो एपी में फर्स्ट टर्म a 11 हो रहा था और लास्ट टर्म मेरा a 20 हो रहा था इसके लिए, गिरे बेटा तेरे पहले 10 टर्म्स के सम दिए हुए थे, तो नेक्स्ट 10 सम टर्म्स का भी सम दिया हुआ था, मतलब देखो ए इलेवन ए ट्वेल्व ए थर्टीन ए फोर्टीन ए फिफ्टीन सिक्स नाइनटीन ट्वेंटी तक का सम दिया हुआ था तेरे को, जैसा सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला लगा सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे यहाँ पे 10 हो रहे थे अपॉन टू, फर्स्ट टर्म के लिए मेरी ए इलेवन है, लास्ट टर्म के लिए ए ट्वेंटी है, समझा। गाइस डू नॉट फॉर एनी थिंग, फॉर तुम्हारे कहते बप्पा नहीं तो तुम लोग बोलते हो हैश टैग, फॉर एनी वन मिस टुमारो सेशन, बिकॉज ऑल दीज पीपल विल नॉट बी सिटिंग नेक्स्ट टू यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, वैसे तुम लोग ले जा सकते हो बट दे विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं हो गया पता 10 लग रहा है देख के, तुम माइनस टू आ रहा है क्या, माइनस टू है फिर, हाँ भाई मेरे हो गया छापना अच्छे से,
बेटा थोड़ा जम के बोलना जो भी ऑनलाइन बोल रहा है। देखो रेड वाला समझा बेटा, रोकू। हाँ बस फिर ब्लू वाले पे दिमाग मत लगा, छोड़ दो। वो वैसे भी तुम्हारी स्कूल वाले उसे करवाते नहीं है। फट से करो बेटा, फट से करो। क्या हुआ गुगु, तेरे प्यारी स्माइल की जरूरत है हमको देख के। हाँ बेटा अरे तुम्हारे को एपी बनाना है पूरा का पूरा, डीबी पे मत अटको बस। चलिए अब गाइस बड़े आ गए। क्या हो गया नन्या, इक्वेशन बनाना उसके आगे, आगे इक्वेशन बनाना पगली उसके। क्या बेटा -2 है शायद से कमेंट। गाइस कॉमन डिफरेंस 2 है या -2 है? और तुम्हारा ए कितना था? 1 आ रहा है। तो एपी 1 -1 -3 -5 हो रहा होगा। हाँ बेटा गाइस शान तेरा कॉमन डिफरेंस अलग आ रहा है, तेरी दूसरी इक्वेशन क्या बनी है? 2a+19b=30 इक्वल्स टू 30 नहीं बेटा, -30 होगा जितना मुझे लग रहा है। बेटा तुम्हारी ये रेड वाली इक्वेशन कितनी बन रही थी? 2a+19d=-30 बन रही है क्या? अबे क्या कर रहे हो दोनों, ये वाली इक्वेशन क्या बनी थी? -36। क्या बेटा प्लीज बातें मत करो यार सौम्या, और ये क्या चल रहा है? चलिए बड़े आगे। अब गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, ट्रिकी क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। प्लीज एक बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी देन प्रूव दैट, पी टी मतलब प्रूव दैट है, 1/b+c 1/c+a 1/a+b आर इन ए पी। मैं डायरेक्टली बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड के, पर पूछते हैं। अब देखो तुमको ये पता है ये ए पी में है, हाँ तो तुम क्या ये बोल सकते हो सिंस, बेटा भी छाप मत, बाद में करना, बाद में छाप बस बाद में रखना। आर इन ए पी, तुमको ये पता है दोनों ए पी में रहने वाले हैं, ठीक है? तो क्या दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन डिफरेंस होता है मेरा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाता है? हाँ। भगवान की कसम इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने, तो b² + b² = a² + c² हो गया, बट मेरे को इतना मिल पाया इससे। अब मेरे को देखो वी हैव टू शो दैट दीज आर इन ए पी, अगर ये ए पी में शो करना है
तो ये ए टू माइनस ए वन की वैल्यू और ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू मुझे इक्वेट करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अभी मैंने फोर वन ओवर बी प्लस सी, वन ओवर सी प्लस ए एंड वन ओवर ए प्लस बी, टू बी एन ए पी, ए टू माइनस ए वन शुड बी इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। तो मैंने पहले अब इसका एल एच एस सॉल्व किया, c प्लस ए माइनस वन ओवर बी प्लस सी, एल सी एम लिया बच्चा लोग मैंने, तो b प्लस सी माइनस ए, ना प्लस ए का ये ब्रैकेट में जा रहा है, c प्लस ए इंटू बी प्लस सी हो रहा था, तो ये कितना हो रहा था बच्चा लोग मेरा b माइनस ए ओवर c प्लस ए इंटू बी प्लस सी। तुमको नहीं पूछा गया क्वेश्चन क्या नो मैट, तुम्हारे को इतना डेप्थ में लेके नहीं जाएगा, तुम्हारे सेंटर पॉइंट की वर्कशीट में था इसे मैं कराने का देख रहा था, बट छोड़ो तुम्हारे को इतना लेके जाएगा नहीं वो इसमें। ठीक है, कैन लीव दिस वन। अब सुनो, क्वेश्चन अगर आया डायरेक्ट चार मार्क का आएगा, ठीक है, और पूछा गया है बोर्ड में, और बहुत सिंपल कंसेप्ट भी है। नए पेज पर आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के हेडिंग दोगे आप लोग, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ये वाले कंसेप्ट को सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बोलते हैं, लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, देन विल रैप अप द चैप्टर एंड विल गेट डन विद द चैप्टर। जल्दी खत्म होता तो जल्दी खत्म हो जाएगा, आई एम होपिंग 40 मिनट्स में हो जाएगा अपना, ठीक है ना, बस प्लीज ध्यान देना, फाइन, बस खत्म करके भागने के चक्कर में मत रहना। अब देखो गाइस, अगर मेरे को कभी ऐसा बोला जाए कि थ्री टर्म्स आर इन ए पी और मुझे पता हो कि उनका कुछ सम वम निकालना पड़ रहा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ ऐसा आप लोगों को, थ्री टर्म्स आर इन ए पी, इफ देयर सम इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज समथिंग कुछ तो भी 500, देन फाइंड द टर्म्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो मुझे पता है तीन टर्म्स है ए पी में और उनका सम मांगा गया है, तो ऐसे समय ना इफ थ्री टर्म्स इन ए पी बोला है और इन तीन का ही टर्म सम मांगा गया था, तो मेरे टर्म्स क्या क्या बन जाएंगे, a माइनस जी ए ए प्लस डी। सर क्यों, मेरी इच्छा से माना, फर्स्ट टर्म जो है मेरा यहाँ पे वो ये है, जो सेकेंड टर्म है वो ये है, जो थर्ड टर्म है वो ये है, तो क्यों कर रहे हो ऐसी मस्ती अपनी, ठीक है। देखो अभी मेरा कॉमन डिफरेंस बोलोगे तो ये माइनस ये डी आ रहा है, ये माइनस ये भी डी आ रहा है, तो हाँ पक्का से ए पी में तो है ये। वैसे ही अगर बोला जाए इफ फोर टर्म्स आर इन ए पी, तो तुमने फोर टर्म्स क्या लोगे देख लो, और वो ये नहीं फोर टर्म्स आर इन ए पी, उनको तुमको चारों का कुछ सम वम कहीं तभी बनने वाला है, तो उसके हमें वे मैं चार टर्म्स होने वाले ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। सर ये क्या हो रहा है, पहले देखो क्या ये ए पी में है क्या, सर ये माइनस ये टू डी, ये माइनस ये टू डी, ये माइनस ये टू डी, तो हाँ सर ये ए पी में तो है, मेरा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है सर, बट ये ऐसा ले क्यों रहे हैं, मेरे पर भरोसा रखो, अपन एक एक दोनों के क्वेश्चंस देखेंगे जब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर इसकी जगह पे हम फर्स्ट टर्म को ए कॉमन डिफरेंस को डी करके फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी नहीं कर सकते थे क्या, कर सकते थे, तब वो चार टर्म्स आए ए पी के समय पे, फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, तो ए ए प्लस जी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं बेटा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस को आसान बना देगा, वो चार मार्क का जो क्वेश्चन है तुम्हारे दो मार्क के क्वेश्चन लायक बन जाएगा, ठीक है, पहले ज़्यादा बिना सोचे ये लिख लो, अगर तीन टर्म है तो ये, चार टर्म है तो ये, कोई बात नहीं बेटा, इसे मतलब बिना ज़्यादा सोचे समझे लिख दो। और बेटा ये जो लोग बेसिक वाले हैं तुम टेंशन मत लो, तुमको पूछा जाता है, बेसिक के पेपर में आया था क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो छोड़ सकते हो, तुमको छोड़ना हो तो, ज्यादा नहीं चार मार्क का ही आया था और चार मार्क ज्यादा होते भी नहीं है, चल जाएगा। हाँ वो अलग बात है बेटा, वो घर पे अलग पड़ेंगे बेटा, अभी के लिए मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, एकदम ये मत सोचो सर ये क्या हो रहा है, तुम जब क्वेश्चन देखोगे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
शांति शांति शांति। अब गाइस आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना? गाइस शांत। चलिए गाइस ये क्वेश्चन लिखिए। गाइस शांत, अभी प्लीज फट से लिखो। पहले मैं तुम लोगों को अगर मैं सिलेक्शन और टर्म्स नहीं सिखाया होता तो जो करता था वो मैं करके दिखा रहा हूँ। नॉट दैट इट इज कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट, ठीक है? देखो, सम ऑफ थ्री टर्म्स एपी में, तीन टर्म एपी के सम, S3 लगाओ या a प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, तो 3a+3d की वैल्यू तुमको 27 दी गई है। 3 कॉमन निकाला, a+g की वैल्यू तुम्हें 9 दी गई है, मतलब ये एक इक्वेशन बन गई। इनका प्रोडक्ट तुम्हें 648 दिया गया है, ठीक है ना? तुमको जैसे इनका प्रोडक्ट हो रहा है तो तुमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है या आगे करना है? चलो एक बार देखते हैं। a a+d a+2d की वैल्यू 648 दी गई है, ठीक है? यहाँ से मान लो a की वैल्यू मैंने निकाल दी 9 माइनस g, तो 9 माइनस g, ये 9 माइनस d+d, 9 माइनस d+2d, 648 हो रहा है मेरा। 9 माइनस d, 9 9+d, 648 हो रहा है। ये 1 ज़ा 9 7 ज़ा 63, ये 72 ज़ा। देखो ये 81 माइनस d² = 72 हो गया मेरा। इधर उधर किया मैंने तो d² की वैल्यू 9 आ गई, तो d की वैल्यू या तो 3 या तो -3। इफ़ d की वैल्यू 3 है तो बेटा मेरे a की वैल्यू आ रही है 6, और ए पी मेरा क्या बन जा रहा है 6 9 12, ये तीन टर्म्स मेरे ये बन जा रहे हैं, ठीक है? इफ़ डी की वैल्यू -3, ठीक है, तो मेरा ए बन जा रहा है 12, तो मेरे तीन टर्म्स जो है बन जा रहे हैं 12 9 6। सिंपल था ये, 3 मार्क वाला क्वेश्चन एक्चुअल में, ठीक है? अब देखो यही चीज़ को जैसा मैंने सिखाया है उससे अगर कर रहे हो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कंपेरेटिवली आसान बन जा रही है। तुम्हारे तीन टर्म्स क्या बन जाएंगे, थ्री टर्म्स हो जाएगा तुम्हारे a-g a a+g, इनका सम देखो। अब तुम लोग, तुमको 27 दिया गया है, वो माइनस जी प्लस जी कट जाएगा, 3a = 27, तो a की वैल्यू 9 पहले ही आ गई, ठीक है? तो इम्प्लाइज थ्री टर्म्स क्या क्या हो गए मेरे, 9 माइनस डी 9 9+g। अब देखो प्रोडक्ट 9 माइनस जी 9 9+d = 648, ये कटा 72, ये पूरा बचा हुआ यहीं का है वो वाला पूरा। 81 माइनस d² = 72, d² = 9, d की वैल्यू 3 या -3। मतलब आगे देखो, इफ d की वैल्यू मेरी 3 है तो मेरे तीन टर्म्स क्या हो जाएंगे, 9 माइनस 3 9 9+3, और इफ d की वैल्यू मेरी -3 है तो तीन टर्म्स हो जाएगा 9 माइनस ऑफ -3 9, और फिर 9+ ऑफ -3। समझा सर? ये भी तो कितना आसान था। हाँ अभी लग रहा है बट करो मत उससे, ठीक है ना? राइट साइड वाला जो ब्लू वाला बताया है उससे ही करो। n/2 2a+n-1d साहब, नहीं नहीं पर राइट वाला कर बेटा। अगेन अ रिमाइंडर, कल की क्लास 7 to 9 की है। नहीं बेटा मैं तो कोई ऐसे याद दिला रहा हूँ, भूल ना जाए तो बेटा कभी भी गलती से। कोई नहीं बेटा, फिर तब सेशन मिस हो जाएगा, चैप्टर उड़ जाएगा। चैप्टर का वेटेज ज़्यादा नहीं है वैसे जनरली,
तीन चार मांग कही है। चलता है, छोड़ देना। नहीं सर, ये एरिया से रिलेटेड सर्कल बहुत आसान है, तो छोड़ देना। तीन चार मार्क का ही है कि बच्चे हुए 80 में से अपने को 76 तो मिल ही रहा है, पक्का है। तो चार मार्क का तो चल जाता सर। सुन, कहना मेरे पास ना वो एक 9th में बच्चा है ऋत्विक करके, उसको सरकाजम का मतलब समझता नहीं है। उसने उसको बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चार मार्क का आता है एग्ज़ाम में, कल मिस करेगा चल जाएगा, वो आया नहीं। तो चार मार्क का था आपने बोला तो चल जाएगा, मिस करूँगा तो इसलिए मैं आया नहीं, ठीक है ना? गुप्ता बैग नीचे रख देते, कौन कंफर्टेबल हो रहा था उस पर। क्या सौम्या, क्या हो गया बेटा? अपना एरिया रिलेटेड सर्कल के बाद में अपन सिर्फ वो करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स आ नहीं रहा है बीबी में वालों को, बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा उसमें ना वो बोर काम था, वैसे फटफट हो जाता चैप्टर कंप्लीट हो, बट फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर है वो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है चैप्टर, देखो टेस्ट ट्रस्ट में। हम लोग गाई देखो, ओए शांत, हम लोग जब 6 AM क्लब स्टार्ट किया था ना, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, फिर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, जिससे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो, पास तो जाए वाला है उसमें का। फिर हम लोगों ने किया था आई थिंक सो इन लोगों का ये वाला पॉलीनोमियल का, क्योंकि सिर्फ जितना तुमको आ रहा उतना ही आ रहा था। और फिर उसके बाद हमने सर्कल्स उठा लिया था, हमने सिर्फ सिंपल सिंपल चैप्टर्स उठाए थे स्टार्टिंग के, तो हमारे सर्कल सिंपल चैप्टर है, टेंशन मत लो उसका। गाइज हो गया ये क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब बेटा मैं सिर्फ सेकेंड मेथड से ही करने वाला हूँ, ठीक है ना? बेटा प्लीज शांत, बेटा बिफोर डूइंग दिस थिंग आप लोगों को आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, ए प्लस बी होल क्यूब की, होता है ए क्यूब प्लस 3 A² बी प्लस 3 AB² प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी होल क्यूब की जरूरत भी पड़ेगी, वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3 A² बी प्लस 3 AB² माइनस बी क्यूब। अब देखो क्या दिया गया है, तीन टर्म्स है ए पी में, ठीक है? तो लेट द थ्री टर्म्स बी ए माइनस जी ए ए प्लस डी, इनका सम तुम लोगों को कितना दिया गया है 12। तो देखो 3A = 12 हो रहा है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई है, तुम्हारे टर्म्स क्या क्या हो चुके हैं, 4 - d 4 4 + d। अब इनके क्यूब का सम मतलब 4 - d³ प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 + d³ इस इक्वल से तुमको कुछ तो भी दिया गया है 288। देखो 4 - d³ ए क्यूब माइनस 3 A² 16 × 3 = 48, 3 A² b प्लस 3 AB² माइनस बी क्यूब हो रहा है, ठीक है? प्लस 64 + 48 d प्लस 12 d² प्लस डी क्यूब इस इक्वल टू 288 हो रहा था, माइनस 48 प्लस 48 कटेगा, माइनस जी क्यूब प्लस डी क्यूब भी कट जाएगा, यहाँ तक है ठीक है? 64 + 64 + 64 कितना हो जाएगा तुम्हारा 192 प्लस 24 d² = 288। 24 d² की वैल्यू कितनी हो रही बच्चों को अपनी 896, d² = 4, डी की वैल्यू या तो 2 या तो -2। अब देखो इफ़ डी की वैल्यू हो रही है 2, तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे 2, 4, 6, और वही अगर डी की वैल्यू हो रही है मेरी -2, तो टर्म्स क्या हो जाएगा 6, 4, 2, ख़त्म। समझा ये क्या हुआ है?
बढ़ सकते हैं आगे गाइस। हाँ बेटा, शांति शांति। रोकू हो गया क्या? तब तक टीम में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ रोकड़े। देखो अब गाइस, बेटा अब ये क्वेश्चन में ना मल्टीपल चीज़ें सीखने लायक है, ठीक है। फोर टाइम्स द लीस्ट। पहले देखो, पहली चीज़ मेरे को एक चीज़ बताओ, एक एपी है मेरा 1 2 3 4, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया है? फोर। ए लास्ट नंबर सबसे बड़ा हो गया है। ये अगर मेरा एपी होता 10 5 0 -5, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? पहला नंबर सबसे बड़ा हो गया। मतलब अगर इंक्रीजिंग एपी है तो सबसे बड़ा नंबर आखिरी टर्म रहा, अगर डिक्रीजिंग एपी है तो पहला वाला। तो जब मैं लेट द फोर टर्म्स बी, या लेट द फोर टर्म्स इन एपी बी, लिखूंगा ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, मुझे कोई आइडिया है क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? नहीं, शेयर ब्लैंक है क्या? हाँ, समझ आता है क्या है? तो मेरे को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अभी तक पता नहीं है कुछ। मेरे को पहला कंडीशन क्या दिया है, इसका सम कितना दिया हुआ है? 50। तो देखो ये सबका सम यानी 4a इक्वल टू 50 हो गया है, तो a की वैल्यू 25/2 हो चुकी है मेरी। तो मेरे टर्म्स क्या क्या हो चुके हैं बच्चा लोग अभी के लिए? 25/2 -3d, 25/2 -d, 25/2 + d, 25/2 + 3d। अब मुझे ये बताओ, क्या मुझे अभी भी पता है कि क्या है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? नहीं। तो मुझे दो केसेस बनाना पड़ेगा। इफ इट इज इंक्रीजिंग एपी, अगर इंक्रीजिंग एपी है सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा लास्ट टर्म इज आई थिंक 4 times द लीस्ट टर्म था ना, इज इक्वल टू 4 times द लीस्ट टर्म, ठीक है। तब देखो 25/2 + 3d इज इक्वल टू 100/2 मतलब 50 माइनस 12d, ठीक है। इधर उधर किया बेटा मैंने, 15d इज इक्वल्स टू 125/2 बन जाएगा इससे, ठीक है। तुम जब सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू हो जाएगी 125/15 × 2, 5 से कट रहा है ये, 3 = 25, 25/6 कुछ आ रहा है मेरे को, देख लो कैलकुलेशन गलती तो नहीं है। गलती है कैलकुलेशन को, 125 ये नहीं रहेगा बेटा, ये 50 - 25/2 होगा, 75/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज डी की वैल्यू बच्चा लोग मेरी आ जाएगी 5/2 फिर, ठीक है। अब अगर ए और ये डी पता है आपको तो चारों टर्म्स क्या हो जाएंगे मेरे? टर्म्स मेरे हो गए 25/2 - 3d, 15/2, 25/2 - d, 25/2 + d, 25/2 + 3d, मतलब ये हो जाएगा 10/2 5, 20/2 ये 10, 15, 20। इंक्रीजिंग एपी था ये, तो ये हुआ है। अब यही इफ इट इज डिक्रीजिंग एपी, अब तुम्हारा सबसे बड़ा टर्म कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट वाला। तो द लार्जेस्ट नंबर इज 4 times द स्मॉलेस्ट नंबर,
25 बाई 2 माइनस 3d इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 50 प्लस 12d, तब देखो ये हो जाएगा माइनस 75 बाई 2 इज इक्वल्स टू 15d, तो बेटा हमारे d हो जाएगा माइनस 5 बाई 2। तो तुम्हारी जब टर्म्स की वैल्यू निकालोगे आंसर आएगा 20, 15, 10, 5, ख़त्म। समझे क्या हुआ है? पक्का करो फट से इसको। एक बार पहले क्वेश्चन देख लो, ढंग से क्वेश्चन लिख लो, तो मैं नीचे कर लूँगा तो शिफ्ट। चार है, ये चार मक्का है बेटा। जिन लोगों को लोग पेरेंट्स लेने आते हैं उनको बोल दो करके इन्हें 15 मिनट में सेशन खत्म हो रहा है अपना, ठीक है ना। इसे एक ही क्वेश्चन हो रहा है। हाँ हाँ सेंटर पॉइंटर्स की वर्कशीट में कुछ और एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस भी है कि इफ द पीएथ टर्म इज क्यू, क्यूएथ टर्म इज पी, देन फाइंड द पी प्लस क्यूएथ टर्म वगैरह वाले, वो अभी के लिए छोड़ सकते हो। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो वाले करवा दूंगा मैं। तुम लोगों को ऐसे पूछते नहीं एग्जाम में, बट मैं करवा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तो करना पड़ेगा, वैसा नहीं चलता। अरे छापू खुद से करना। लगी बेशरम है। बेटा अपन लोग टेस्ट, जब अभी टेस्ट सीरीज जैसे शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी जब खत्म होगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो वील स्टार्ट विथ ये वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल सी टेस्ट रहेगी एक, तुम लोगों को फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज से इतना रोना नहीं आता उसके अंदर। जैसे आइडेंटिटीज आता है तुम लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उतने कर लोगे, दे आर वे 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 मोर देन सफिशिएंट फॉर योर फर्स्ट एग्जामिनेशन भी का। और इधर अगर कुछ क्वेश्चन आ भी गया तो भी तुम थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हो। एंड इररिस्पेक्टिव सेंटर पॉइंट को प्रोबेबिलिटी आ रहा है नहीं आ रहा है, टेस्ट जब रहेगी उसकी देनी पड़ेगी, एंड BVM को AP की देनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी इज फन। आधे से ज़्यादा चैप्टर तुम्हारा ओरली होने वाला है। नहीं कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन अभी। और जो अभी वाला जो क्वेश्चन करा रहा हूँ लास्ट वाला, हाईली लाइकली तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में यही डेटा का क्वेश्चन आ जाए, यही वाला। चलिए बड़े आगे जल्दी करो। हाँ क्योंकि वो लोग ना जब मैं पढ़ाता हूँ तो छापते नहीं रहते बैठ के, और वो लोग ना कॉपी कंप्लीट करने के लिए नहीं आते क्लास में, वो पढ़ने के लिए आते हैं।
कब तक अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ा? तेरी बहुत डेड स्लो है, बहुत ही डेड स्लो है। सेकेंड लाइन पे भी धक्के। हाँ जो भी बहुत स्लो कर लिखता है तू बेटा। बेटा शांति, जिनका हो गया है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए तब तक के। सच दर दे आई नेपी, राघव क्या एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स? कोई कोई बात नहीं था, चलते। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट सच दैट दे आर इन एपी एंड रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 7:15। वैसे देख लो, एक बार सुन लो, अगर मैं चार टर्म्स कुछ तो भी है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है। एक्सट्रीम्स मतलब ये होता है और मीन्स मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये चार टर्म एपी में थे, तो लेट द टर्म्स बी ए माइनस थ्री डी। हाँ ये होता है बेटा, छापते रहते ना, तो वैसे होता है a माइनस थ्री डी, ए माइनस जी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। अब देखो इनका सम कितना होगा, 32 के बराबर होगा। 32 से टूट के सब कुछ आए हुए हैं, तो देखो अब ये a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस जी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी 32। 4a की वैल्यू 32 हो गई है, तो a की वैल्यू 8 हो गई है। तो बेटा मेरे टर्म्स क्या क्या हो गए, 8 माइनस थ्री डी, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, 8 प्लस थ्री डी। अब तुमको रेशो दिया है ये इंटू ये, यह ना जाएगा क्या, वो 8 माइनस थ्री डी इंटू 8 प्लस थ्री डी टू ये इंटू ये 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, और कितनी वैल्यू दी है 7:15। अब क्या पहले देखो, ऊपर तो वो 64 माइनस 9 डी स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर खुल रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के कारण, वैसे तो इक्वल टू 7/15। पापियो ये मत काट देना, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 64 माइनस 9 डी स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। 64 इंटू 15 कितना हो रहा है बच्चा लोग अपना, 640 प्लस 320 960 हो रहा है बच्चा, माइनस 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 7 क्या, अच्छा 960 होना चाहिए, देख 448 माइनस 7 डी स्क्वायर इधर उधर किया, 960 माइनस 448 512 इज इक्वल्स टू 128 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई है, डी की वैल्यू या तो 2 या तो माइनस 2। इफ डी की वैल्यू 2 है तो मेरे टर्म्स क्या क्या बन जाएगा बेटा, 8 माइनस 3 डी, यानी ये 8 माइनस डी ये हो जाएगा बेटा मेरा कितना 14। एंड इफ डी इज इक्वल टू माइनस 2 तो हो जाएगा 14 10 6 2। समझाइए क्या हुआ है गाइस, ये एग्जैक्ट बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है।
वो जो छापा नहीं, तुमने कैलकुलेशन खुद से किया, वही गलत का डालना क्या? अच्छा 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 वाह, क्या किया बेटा तूने? लगा बात नहीं बेटा, नहीं बेवजह फिजिक्स कैंसिल किया अपन ने यार।